शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। इस वानर को बचाना मेरा उद्देश्य नहीं, इसमें हमारे अनेकों वीर सैनिकों के साथ हमारे प्रिय राजकुमार अक्ष कुमार का संहार किया और कई अनेकों अपराध किए, किंतु हम राजधर्म नहीं भूल सकते। ये वानर लंका में दूत बनकर आया है और दूत का वध नीति के विरुद्ध है। प्रतीत होता है मुझे प्राण दंड से बचाने के लिए ही विभीषण जी ऐसा कह रहे हैं। इसने हमारे योद्धाओं का वध किया, क्या वो नीतिगत था? सत्य है, वो भी नीतिगत नहीं था। अब इसे भी मरना होगा। आप तो महाज्ञानी हैं, सर्व वेदों के ज्ञाता हैं। उचित अनुचित का भेद आप हमसे अधिक कुशलता से कर सकते हैं। आप तो भली भांति जानते हैं शास्त्रों में दूत का वध वर्जित है। कृपया आप देह धारण करें और इस रामदूत वानर के वध का विचार त्याग दें। तुम उचित कह रहे हो, दूत का वध करना वर्जित है। किंतु मैं अपने पुत्र के वधिक को कैसे क्षमा कर दूं? मैं ये नहीं कहता इसे दंडित ना करें, परंतु सोच विचार कर शास्त्र संगत उपयुक्त दंड दें इस वानर को, जिससे ये हमारे शत्रु के लिए उदाहरण बने। हमारे शत्रुओं को हमारी शक्ति से परिचय कराए और इस वानर के प्रभु श्री राम यहां आने का दुस्साहस ना करें। फिर इसके अंग भंग कर दिए जाएं, इसके एक नेत्र को फोड़ दिया जाए। हाँ, फोड़ दिया जाए। आग लगा दी जाए इसके शरीर को। शांत, लंकेश समझ गए हैं इस वानर को क्या दंड देना है। एक वानर के लिए उसकी पूछ ही उसका मान होती है ना, तो दंड स्वरूप इस वानर की पूछ में अग्नि लगा दी जाए। अग्नि लगा दी जाए। लगा दी जाए। लगा दी जाए। हनुमान तो अपनी पूंछ को अपनी सखा मानता है। हनुमान की पूंछ तो शक्ति स्वरूप है। सैनिकों, सखा,
सुना तुमने? अभी तक ये अभिमानी राक्षस मेरे क्रियाकलाप से ही त्रस्त था। अब लंका तुम्हारा पराक्रम भी देखेगी। पकड़ो इस वानर की पूंछ को और बांध दो वस्त्र जिससे इसकी पूंछ में अग्नि लग सके। जय श्री राम। अरे ये पूछ तो बढ़कर उठने लगी। हम भी उठने लगे इसके साथ। उसकी पूछ को बचाओ 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 हमें बचाओ हमें। अरे इसकी पूंछ का आकार तो बढ़ता ही जा रहा है। ये तो राजभवन के बाहर तक चली गई। सैनिकों पकड़ो इस वानर की पूंछ को। अरे भागो भागो भागो। अरे इसकी पूंछ तो बढ़ती जा रही है, रुक नहीं रही है। अरे कैसा दृश्य देख रहा हूँ मैं? नहीं, मदिरा का प्रभाव है। अरे तो तुम मेरे ऊपर क्यों गिर रहे हो? अरे ये क्या है? अरे किसकी पूंछ है ये? अरे ये तो बढ़ती जा रही है। आश्चर्य, कैसा मायावी संकट है ये? भागो, अपनी रक्षा करो। अरे किंतु कहाँ भागे? भागो, प्राण बचाओ। शीघ्रता करो। इस विकराल पूछ को लपेटने के लिए और भी वस्त्र चाहिए। वस्त्र तो कम होते जा रहे हैं। युवराज को सूचित करके आओ। हाँ, अभी जाता हूँ। युवराज, युवराज मेघदान, अब लंका में एक ही स्थान शेष है जहाँ पर वस्त्र हैं, अशोक वाटिका। नहीं, इन्हें वस्त्रों के लिए अशोक वाटिका नहीं जाने दे सकता मैं। अशोक वाटिका में तो माता सीता भी हैं। ये वहां न जाए, इसके लिए मुझे अपनी पूंछ के आकार को लघु करना होगा। तो जाओ, शीघ्र लेकर आओ। जो आज्ञा युवराज। सैनिको, मेरा आदेश शीघ्रता से पूर्ण करो। जी लंकेश। हा
अपने स्वामी के दूध के साथ होने वाले अन्याय को रोकने के लिए मैं अपने सतीत्व के बल का प्रयोग करूंगी। प्रार्थना करूंगी अग्निदेव से कि उन्हें कोई हानि ना पहुंचे। बहुत छकाया तूने हमें वानर, अब तुम्हारी पूंछ में आग लगेगी, तब हमें भरपूर आनंद आएगा। किसी को भी तुच्छ समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, परिणाम भयंकर हो सकता है।